हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही सुंदर सा पायदान बना के तैयार करेंगे। हमने इस पायदान पुरानी साड़ी से बनाया है। बहुत ही सुंदर हमारा पायदान बनकर तैयार होगा। उसके लिए हमने एक कार्डबोर्ड लिया है जिसकी लंबाई 19 इंच और चौड़ाई 16 इंच है। आप देख सकते हैं हमने ऐसे निशान लगा लिए। और एक साड़ी की पट्टी लेनी है जिसके ऊपर एक नोट लगानी है साड़ी की पट्टी के, और एक एंड पर ऐसे फंसा लेना कार्डबोर्ड पर। ऐसे आपको निशान लगा लेने हैं कार्डबोर्ड पर। अब एक तरफ से ऐसे लेके इसके नीचे से फंसा के फिर वापस ऐसे, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही आपको करना है। एक तरफ से फंसाना है। हमने पट्टी की चौड़ाई 5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कोई भी। हमारा बहुत ही सुंदर मजबूत पायदान बनकर तैयार होगा। इससे ऐसे ही हम बना लेंगे पूरे में। अब हमने दूसरी पट्टी ली है जो अब एक एंड पर लगा देंगे वैसे ही, और इसके क्रॉस में चलेंगे जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही। आप देख सकते हैं नीचे से निकालना है और इधर वापस फंसा लेना है इसको। इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी झोल नहीं आएगा। और बहुत ही जल्दी हमारा पायदान बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस पायदान को कोई भी टी शर्ट वगैरह, पुरानी साड़ी, इन सब से भी बना सकते हैं। कोई भी पुराना कपड़ा हो जाए। वैसे ही आपको कर लेना है पूरे पे। अभी इधर हम पट्टी को कट कर देंगे सीजर की मदद से, और सुई धागे से हम इसे जोड़ देंगे ताकि ये खुले ना। अब हम ये एक पट्टी निकालेंगे और इधर से एक को दबाएंगे। इसके नीचे से निकालनी है पट्टी, और ये दो पट्टियां नीचे दबानी है, फिर वापस एक के नीचे से निकालनी है और दो पट्टियों को दबाना है। इन दो पट्टियों को दबाना है नीचे, एक के नीचे से निकालनी है और इन दो पट्टियों को नीचे दबाना है और एक के नीचे से निकालनी है। ऐसे ही करते हुए हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। पहले एक दो को नीचे करना है और एक के नीचे से निकालनी है, दो को दबाना है और एक के नीचे से निकालनी है। ऐसे ही हम वापस वहाँ पे फंसा देंगे जहाँ पे पहले हमने लगाई थी। अब वापस हम दूसरी पट्टी हटाएंगे ऐसे ही। अब जो एक दबाई थी उन दो के नीचे से निकालना है। अब एक को दबाना है और दो पट्टियों के नीचे से निकालना है। आप देख सकते हैं ऐसे हमारी डिजाइन बनेगी। वापस ऐसे ही करना है। एक पट्टी को नीचे करना है और दो के नीचे से जो पहले नीचे दबाई थी उनको उठाना है, उनके नीचे से लेनी है पट्टियाँ। हम सही कर लेंगे पट्टियों को। वापस एक दो के नीचे से उठानी है, निकालनी है इस पट्टी को। ऐसे ही करते हुए हम ये भी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हम वहीं पे हम अपनी पट्टी को फंसा देंगे वापस। ऐसी हमारी डिजाइन बनकर तैयार होगी, बहुत ही सुंदर सी। वापस अब इस पट्टी के नीचे से निकालनी है, इन दो पट्टियों को नीचे दबाना है। एक पट्टी उठानी है और दो पट्टियों को नीचे दबाना है ऐसे ही। दो पट्टियों को नीचे दबाना है और एक को उठाना है। दो को दबाना है, एक को उठाना है। दो को दबाना है, एक को उठाना है। ऐसे करते हुए हम करते जाएंगे ये लाइन भी कंप्लीट, और वहीं पे हम ये साड़ी लगा देंगे। जहाँ से वो उठाई थी वहीं पे वापस फंसा देंगे इस पट्टी को। ऐसे ही हम ये पायदान बड़ा करते जाएंगे। यही यही स्टेप रिपीट करते जाएंगे हम।
दो को नीचे करेंगे, एक को ऊपर करेंगे, फिर वापस रिपीट करेंगे, दो को ऊपर एक को नीचे, ऐसे करते हुए पूरा पायदान बनाएंगे। हमारा बहुत ही सुंदर पायदान बनकर तैयार।